JBL. Hey friend, this is me Vishal Bindal और आप देख रहे हैं Next Level 99. Actually आप जानते हो तो बारो अब कह के आपका time waste नहीं करूँगा. अब सीधे मैं आता हूँ अपने main content पे. ये video है JBL Xtreme के ऊपर. आपने पहले intro में देख ही लिया होगा कि किसके ऊपर है. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी video और unscrew करते हैं JBL Xtreme. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं आज आपको दिखाऊंगा JBL Xtreme को खोल के दिखाऊंगा अंदर से वो कैसा दिखता है. अनस्क्रू करके दिखाऊंगा को, अनस्क्रू करके दिखाऊंगा अनस्क्रू. और उसको अनस्क्रू करने के लिए आपको चाहिए होगा ऐसा एक सेट, जो सेट आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाए. ये लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है. आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर जाएंगे, यहाँ आपको ईजिली मिल जाएगा 150 के समथिंग. इसमें आपको मिलेंगे एक हैंडल, एक लंबा करने वाला मीज, इसमें आप जोड़ सकते हैं ऐसे. आप इसको जोड़ के टाइट करके जोड़ सकते हैं, हालांकि अभी टाइट हुआ नहीं है थे अब टाइट हुआ. अब इसको आप चाहे तो एक और जोड़ के आगे जो भी लगाना चाहिए आपको, माइनस वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए, मीज आपको इस टाइप का चाहिए हो या इस टाइप का चाहिए हो जिसमें चार मुंह हो, आपको इसे ऐड ऑन कर सकते हैं. लेकिन ये जब काम आता है, जब आपको लंबा कुछ काम करना हो या कोई ऐसी चीज़ खोलनी है जो बहुत मुश्किल से खोलनी है, तब उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं. शुरू कर लूँ तो आपको अभी खोलने के लिए चाहिए इसको. आपको खोलने के लिए इसको नीचे देखना होगा. नीचे देखेंगे तो ऐसे ये दो देखेंगे आपको, ये देख सकते हैं ऐसे देखेंगे तो आपको जो चाहिए होगा माइनस वाला, मतलब ये पतला वाला, पतला पॉइंट वाला चाहिए होगा. जैसे आप देख सकते होंगे इसको आपको यहाँ लगाना है, इसके बीच में लगाना है कुछ इस टाइप से. और ये जो आपकी चेन है, चेन के इस साइड ही खुलेगा, ये चेन के साइड, और ये ऐसा खुल जाएगा. ऐसे साइड करना है आपको, अंदर लगाना है, अभी दिखने का अंदर लगाना है, ऐसे खुल जाएगा. आपको उसको खोलेंगे तो ये स्क्रू और एक यहाँ स्क्रू लगाया है छोटा सा, ब्लैक रंग का स्क्रू लगाया है. इसको आपको अनस्क्रू करना होगा. इसके लिए आपको चार मुंह का पेंच का चाहिए होगा ऐसा. चलो मैं जल्दी खोल लेता हूँ उसे. बहुत टाइट लगा होता है ये, क्योंकि अभी तक खुला नहीं है ये. मैं अभी पहली बार खोल कर देख रहा हूँ एग्जैक्टली है क्या. और आपके स्क्रू खो नहीं आए तो अब ऐसा कुछ भी लेके उसमें आप डाल सकते हैं, तो कोई चीज खोएगी नहीं, सिंपल था एकदम. खुल गया. अब ये जो फ्लैप है ये यहाँ से ऐसा खुलेगा. यहाँ से रियल लाइफ में ये जो बटन है, ये एक्चुअली बटन्स हैं पावर के और वॉल्यूम के, ब्लूटूथ के, ये सब इस पर बिल्ट होते हैं, इसके ऊपर इनबिल्ट होते हैं. तो ये डुप्लीकेट है इसलिए अलग से लगा हुआ है ये, तो उसको संभाल के रखिए, खो गया तो दिक्कत हो जाएगी. वही साइड रख देता हूँ. तो ये धीरे धीरे दोनों साइड से ये जो लाइन्स हैं, ये जो है आपकी यहाँ से, इसमें ये फंसा होता है, दोनों साइड से फंसा होता है. आपको धीरे धीरे दोनों हाथ से ध्यान से धीरे धीरे निकालना, और ये आपको ऐसे निकले आएगा. ये पूरा ऐसे देखो निकले आया कवर, पूरा निकले आया कवर. और ये कवर वॉशेबल होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है. इसको साइड रखते हैं. अब ये देखिए अंदर से आपको ये ऐसा दिखेगा, JBL Xtreme डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी. मीन्स ओरिजिनल कॉपी में ये जो होता है ये ज़्यादा बड़ा होता है, और ये स्पीकर बहुत छोटे होते हैं जो यहाँ लगे होते हैं. मे बी मेरे को जितना मुझे याद है कि चार लगे होते हैं इसमें, इस टाइप से लगे हैं. ढोलक नहीं है ये, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा. और ये इसको खोलने के लिए आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर है ना एक्चुअली तीन स्क्रू लगे हैं ऐसे देख सकते, एक
एक स्टैंड लगा हुआ है जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा आपको, दिखेगा नहीं साइड से, दिख जा दिख जा कहाँ चुप गया, यहाँ से दिख रहा है वहाँ से नहीं दिख रहा। एक स्क्रू है अंदर लगा हुआ उंगली के नीचे, और थर्ड स्क्रू इधर लगा है, ये लगा है, इसको खोलेंगे ये तो पूरा बाहर निकल आएगा। हालांकि अब इसको आगे मैं खोलने की हिम्मत नहीं रखता, अगर कुछ हुआ तो दिक्कत रहेगी, पर हाँ मैं एक चीज़ दिखा सकता हूँ, इन चार स्क्रूज खोल के, ये चार स्क्रू खोल के और ये चार स्क्रू खोल के, ये सब ऐसे बाहर निकल आएगा तो आप इसको खोल सकते हैं लाइक दिस। बहुत टाइट हैं, कभी उन्हें खोले नहीं है इसलिए एक्चुअली सही बताऊँ तो ये पहला स्पीकर है जो मैंने कभी जिंदगी में खोला है, आज तक मैंने खोला नहीं है कोई स्पीकर, पर थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, वॉचर्स के लिए इतना रिस्क तो ले सकता हूँ। ये देखिए ये ऐसा खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिस्टम लगा हुआ है, इसका सिस्टम लगा हुआ है पूरा अंदर, ये मेन स्पीकर है एक्चुअली, स्पीकर नहीं है एक्चुअली, स्पीकर ये है और ये है, ये एक्चुअली बेस है, ये होता स्पीकर जैसा ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है था स्पीकर जैसा ही है, लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं आती, जैसे आप मैकेनिज्म देख रहे हैं जो, इसमें से आवाज़ नहीं आती, ये सब बेस के लिए होता है, धूम धूम करने के लिए होता है। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ, और ये अभी स्क्रूज इधर उधर हो गए ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जुड़ चुका है वापस, ये एक्चुअली ट्विटर्स होते हैं, ये होता क्या है, ये जब ऊपर नीचे दबता है तो उससे एयर कंप्रेस होती है, उससे ये ऊपर नीचे जाता है, आप देख सकते हैं इसको दबा रहा हूँ तो ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख सकते होंगे। और ये मेन स्पीकर हैं, और ये वापस कनेक्ट कर दिया है एक्चुअली, बच गया मैं अभी, अभी तार टूट जाते हैं स्क्रू अनस्क्रू करते में, तो मैं इसको वापस जोड़ता हूँ।